अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डाइल्यूशन बनाना सीखेंगे कि 1 in 20 और 1 in 50 की डाइल्यूशंस कैसे बनती है। सबसे पहले आप आ जाए 1 in 20 की डाइल्यूशन पे। 1 in 20 की डाइल्यूशन का मतलब है कि वन पार्ट आपका वो सैंपल होगा, कोई भी ब्लड सैंपल है, सीरम है, जो भी है आपका, और 19 पार्ट्स आपका रेजेंट होगा। रेजेंट में क्या हो सकता है, नॉर्मल सेलाइन हो सकता है या आपका डिस्टिल वाटर या डिस्टिल वाटर। ये हम इसलिए करते हैं, कई बार हमने CS वो करना होता है, WBC काउंट करना होता है, उसके लिए हम डाइल्यूशन बनाते हैं। कई बार हमारे पास स्पेशल केमिस्ट्री में कोई भी टेस्ट आता है तो उसमें हमारे पास सैंपल बहुत थोड़ा होता है और हमने रन करना होता है, तो उसके लिए हमें डाइल्यूशन बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले आप आ जाएं कि अगर हमारे पास बहुत कम सैंपल है, कि हमारे पास 10 माइक्रोलीटर सैंपल है, तो इसकी डाइल्यूशन कैसे बनेगी। तो आप इधर देखें, ये 10 माइक्रोलीटर हमारे पास सैंपल है, ये 1 in 19 मैंने आपको बोला है ना कि 1 in 19 है, तो दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 से इधर 19 से ये 10 मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 10 और इधर 19 से 10 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 माइक्रोलीटर जो हमारा सैंपल है उसके लिए हम करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 190 माइक्रोलीटर क्या होगा, नॉर्मल सेलाइन या रेजेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, डिस्टिल वाटर। तो हम 10 माइक्रोलीटर वो सैंपल ले लेंगे, ब्लड सैंपल, और ये 190 माइक्रोलीटर हमारे पास वो रेजेंट आ जाएगा। तो इनको हम मेजर करके तो इसकी डाइल्यूशन बना लेंगे। अब जो आंसर आएगा या जो रिज़ल्ट आएगा, मशीन में हम रन करेंगे, फिर जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको हम डाइल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20 से। इसी तरह अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा सैंपल है और 20 माइक्रोलीटर है, तो इसी तरह ही 1 in 19 का आप करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और 19 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 20 माइक्रोलीटर जो आपका होगा ब्लड या सीरम जो भी आप ले रहे हैं सैंपल, तो उसके पीछे आप कितना नॉर्मल सेलाइन या डिस्टिल वाटर लेंगे, वो आप लेंगे 380। इसी तरह अगर आपके पास 50 माइक्रोलीटर सैंपल है, तो हमने इसी तरह ही 1 in 19 का लेंगे, वन पार्ट आएगा आपका ब्लड या सीरम और 19 पार्ट डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सेलाइन, तो आप क्या करेंगे, यानी कि 50 आपके पास है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 और 19 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपकी 50 माइक्रोलीटर जो ब्लड होगा या सैंपल होगा उसके लिए आप 950 माइक्रोलीटर अपना नॉर्मल सेलाइन और डिस्टिल वाटर लेंगे। और जो आंसर आएगा जब आप मशीन में रन करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, डाइल्यूशन फैक्टर से। अब आप आ जाएं 1 in 50 की डाइल्यूशन पे। 1 in 50 की डाइल्यूशन बनाने का मतलब है कि एक पार्ट आपका सैंपल है और 49 पार्ट्स आपका रेजेंट है, नॉर्मल सेलाइन या डिस्टिल वाटर। तो आप इसके लिए सबसे पहले, अगर आपके पास 10 माइक्रोलीटर सैंपल है, तो आप क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 और 49 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 490 माइक्रोलीटर आप डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सेलाइन लेंगे 10 माइक्रोलीटर ब्लड के लिए। इसी तरह अगर आपका 20 माइक्रोलीटर है, तो इसका मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और इधर 49 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 980 माइक्रोलीटर, यानी कि 20 माइक्रोलीटर जो आपका सैंपल है उसके लिए आप नॉर्मल सेलाइन या वो लेंगे डिस्टिल वाटर 980 माइक्रोलीटर। अब आप इसको मशीन में रन करेंगे, जो वैल्यू आएगी आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, डाइल्यूशन आपका वो फैक्टर।